बोलना बेटा, क्या हुआ है? अभी देखो हम सब कितने परेशान हैं। कुछ तो बताओ क्या हुआ। तुम हॉस्पिटल गए थे ना? आकाश भाई तुम्हें मिले कहाँ पर? दरगाह के पास। मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था कि भाई को ढूंढने पर, मैं जब वहां से गुजर रहा था तो मैंने अचानक भाई को देख लिया, तो बस मैं वहां से फिर भाई को घर पे लिया। ये ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे? कहीं प्रज्ञा मर तो नहीं गई? क्या हुआ? क्या हुआ कुत्ते, ऐसे भूत बन कर क्यों बैठे? रो रहा तू? हुआ क्या है? दादी वो बता ना। दादी प्रज्ञा। क्या हुआ प्रज्ञा को? पुत्र ना प्रज्ञा नहीं मिल रही है, पता नहीं वो कहाँ चली गई। दादी रो मत पहले, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, वो बच्ची थोड़ी ना है, आ जाएगी, गुम थोड़ी ना हो गई है। दादी मैं उसे सुबह से ढूंढ रहा हूँ, मैंने हर जगह ढूंढा दादी, उसके घर, अपने ऑफिस, रास्ते पर, हॉस्पिटल में, वो मुझे कहीं नहीं मिली दादी। ना पुत्र ना, तू रोना बंद कर, ढूंढ लेंगे हम उसे। हाँ हम है ना तेरे साथ। आकाश जी दादी, एक काम कर, पुलिस को खबर कर दे, कंप्लेंट लिखा दे, प्रज्ञा को जल्दी से जल्दी ढूंढ के लाए। ठीक है दादी, मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर। हम भी ढूंढेंगे ना। ना ना पुत्र ना। ओहो शादी की तैयारी में मैं इतनी पागल हो गई हूँ कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। बस दिल की धड़कनें सुनाई दे रही है, धक 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 धक। सर आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। जानती हूँ मैं कितनी खुश हूँ कि तुम्हारी और भाई की शादी हो रही है। एक बात बताओ, भाई का बिहेवियर तुम्हारे साथ सही तो है ना? नहीं आलिया, पहले जैसा तो नहीं है। आई मीन अभी कहीं खोया रहता है। सिर्फ बच्चे के बारे में थोड़ा सा कंसर्न है, पर मुझे अभी भी ऐसा लगता है जैसे वो प्रज्ञा के बारे में सोच रहा है, उसे याद कर रहा है। आई डोंट नो क्या है उस प्रज्ञा में ऐसा जो अभी के साथ ना होते हुए भी उसी के साथ है। ओह कम ऑन तनु, इतना भी टाइम नहीं हुआ है कि भाई उसे भूल जाए। एटलीस्ट गिव हिम सम टाइम। मुझे तो ये टेंशन थी कि भाई तुमसे शादी ही ना करे, एटलीस्ट वो शादी करने के लिए हाँ तो करे, उन्होंने तुम्हारे साथ टाइम तो स्पेंड कर रहे हैं वो। So give him some time, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भाई उस बहन जी को भी भूल जाएंगे और तुम्हें भी पहले की तरह ही प्यार करने लग जाएंगे। And everything will be back to normal the way it was. Okay? You are right, Alia. वैसे भी अभी मुझे अपने पास तो आने नहीं दे रहा, सिर्फ बच्चे के बारे में बात करता है। चिनो मुझे मुझे कभी कभी फील होता है कि उसे सिर्फ बच्चा चाहिए, मैं नहीं। मुझे तो इस बात का भी डर है जब उसे सच्चाई पता चलेगी कि ये बच्चा उसका नहीं, तब क्या होगा? शट अप तनु, ऐसी बात है तुम्हें तुम्हें सोचनी भी नहीं चाहिए, तुम्हारे दिमाग में भी नहीं आनी चाहिए। मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ कि बात अपने मुंह से मत निकालो और अपने दिमाग में मत लाया करो। सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट और इसके बारे में तो बात बिल्कुल मत किया करो, समझी तुम? क्या सोच रही हैं आप? दीदी मैं सोच रही हूँ, आज पूरे 30 दिन हो गए, प्रज्ञा का कुछ पता नहीं चला, कहाँ है वो, किस हाल में है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे तो, अजीब सी बेचैनी हो रही है इंदु। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। मैं जानती हूँ मेरी तरह तुझे भी ये शादी ठीक नहीं लग रही है, पर हम क्या कर सकते हैं, कुछ तो होना ही पड़ेगा ना हमें, क्योंकि हमारी प्रज्ञा इस शादी से खुश है, इसलिए तो हम वैसे ही कर रहे हैं जैसे वो चाहती थी। तुझे नहीं लगता कि प्रज्ञा को एक बार यहाँ आना चाहिए था, ये देखने के लिए कि जो उसने सोचा था, जो उसने कहा था, हम वैसा ही कर रहे हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, कुछ भी नहीं।